मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी शादी हो गई है और जो गलत छिद्र में गलत छेद में इंट्रोज करने की कोशिश कर रहे हैं गलत जगह पे डालने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में 90 परसेंट लोगों को शादी से पहले पता ही नहीं होता कि जो तो फीमेल गुप्तांग है या फीमेल जननांग है वो होते कैसे क्योंकि तो ये चैप्टर स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में सी में क्लास नाइन्थ टेंथ एलेवंथ में बायोलॉजी में पढ़ाना चाहिए जो अंकोश है अंकोश मतलब जो ये हमारे भुट्टे है इनकी स्किन खुल जाती है जिससे लेबिया बनते हैं लेबिया मतलब औरतों के नीचे के होट बनते हैं नमस्ते दोस्तों क्या आपको पता है कि संबंध मनाने के समय लिंक को किस छेद में डालते हैं मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 50 परसेंट ऑडियंस को नहीं पता है क्योंकि मेरे एडिटर को नहीं पता है <laughs> तो आज मैंने एक जनरल पोल लिया अपने यहाँ वर्क करते हुए एडिटर्स में जिनकी उम्र 19 से 25 साल है अनमेरिड है और फिफ्टी को नहीं पता था कि फ़ीमेल गुप्तांग या फीमेल जननांग या औरतों के जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज थी ये हंसी की बात नहीं है दुख की बात है क्योंकि ये चैप्टर स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में सी बी एस ई में क्लास नाइन्थ टेंथ एलेवंथ में बायोलॉजी में पढ़ाना चाहिए पर ज़्यादातर टीचर्स अपने बच्चों से इस बारे में बात नहीं करते ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं बच्चों से बारे में बात नहीं करते इस कारण से हमारे देश में नाइन्टी परसेंट लोगों को शादी से पहले पता ही नहीं होता कि जो फीमेल गुप्तांग है या फीमेल जननांग है वो होते कैसे मर्दों का क्या सबको पता है मर्दों का सबको पता है दो आंड और एक लिंग है सबको पता है पर औरतों में नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है वो किसी को पता नहीं होता यहाँ तक कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी शादी हो गई है और जो गलत छिद्र में गलत छेद में इंटरपोज करने की कोशिश कर रहे हैं गलत जगह पे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है वो है फीमेल जननांग और मैं आपको बताऊँगा कि जो औरतों का नीचे का हिस्सा होता है वो किस तरीके का होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उस पार्ट में कौन सा पार्ट है जिसमें संभोग किया जाता है और कौन से पार्ट से बच्चा पैदा होता है कौन सा पार्ट है जिससे औरतें पेशाब या मूत्र त्याग करती है क्लिटरिस क्लिट्रस या वो कौन सा ऑर्गन है जिसको हिलाने से सहलाने से, से औरतों को कोजम या चरम सीमा का की संतुष्टि होती है और लेबिया लेबिया मतलब वो होठ नीचे वाले होठ हाँ वही होठ जिनके बारे में इरफान खान बात कर रहे थे नीचे वाले होठ या लेबिया क्या होते हैं तो महू डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट और जीरोलॉजिस्ट और हम मर्दों की समस्याओं के अलावा उनकी जनाना आ गया प्राइवेट पार्ट्स की जो भी समस्या है चाहे बच्चे ना होना जिसके अंदर घाटे छोटा दर्द लिंग में टेढ़ापन ऐसी कोई भी समस्या है जिसके बारे में आपको लगता है कि इलाज नहीं है उसका इलाज करते हैं अगर आपको मेरे चैनल से जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं करेंगे तो भी जानकारी मिलेगी पर सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब ख़ुद आपकी समस्याओं के लिए मेरे चैनल से आपको करेक्ट वीडियो दे पाएगा तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो जो फीमेल जेनेटिलिया है और मेल जेनेटिलिया है मतलब पुरुषों का गुप्तांग और औरतों का गुप्तांग ऑलमोस्ट माँ मा के पेट में सेम होता है तकरीबन तीन महीने तक मतलब तीन महीने तक हम नहीं बता सकते कि ये जो बच्चा है ये मर्द है या औरत है पर तीन महीने के बाद जब हारमोन की प्रोडक्शन मतलब जेनेटिक्स जिसको वाई वाइक्रोमोजोम है वाई वाइक्रोमोजोम के हारमोन्स और जिनको एक्स एक्सक्रोमोजोम है एक्स क्रोमोजोम के हारमोन्स की प्रोडक्शन से फीमेल और मेल की जेनेटिलिया डेवलपमेंट अलग अलग हो जाती है जो मेल है उसके अंदर लिंग लिंग मतलब जो पेनिस है उसकी संरचना स्टार्ट हो जाती है अंडकोश बनते हैं और अंडकोश के अंदर जो गोटिया है वो आती है जिसको टेस्टिस बोलते हैं और औरतों में उसका उल्टा जो ये टेस्टिस है नीचे आने के बजाय पेट में चले जाते हैं जो अंडकोश है अंडकोश मतलब जो ये हमारे गोटे हैं इनकी स्किन खुल जाती है जिससे लेबिया बनते हैं लेबिया मतलब वो औरतों के नीचे के होठ बनते हैं जो लिंग है लिंग के दो पार्ट होते हैं एक पार्ट होता है पेशाब का वो पेशाब का रास्ता रह जाता है जो खून वाला पार्ट है खून वाला पार्ट मतलब जो खड़ा होता है वो वाला पार्ट क्लिटरस बन जाता है और जो नीचे का हिस्सा है योनी के रूप में ओपन फॉर्म में आ जाती है और एक अडल्ट फीमेल या जो एक व्यस्क मादा है उसकी जेनेटल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं तो जब जब आप जेनेटल ऑर्गन्स को या जब लड़की के पैर खोलते हैं तो जो बीच में है तो बीच में आप पाएंगे ये डायग्राम जो साइड में, में मेरे एडिटर ने दिखाया होगा इस डायग्राम में आप पाएंगे सबसे पहले ऊपर वाला छेद है ये छेद पेशाब का छेद होता है जहाँ से औरत मूत्र त्याग करती है या पेशाब करती है और ये उसके ब्लैडर ब्लैडर मतलब पेशाब के रस्ते की ओर जाता है उसके नीचे वाला छेद है ये छेद होता है इसका छेद या इसको वजाइना बोलते हैं वजाइनल इंटराइटस वजाइनल इंटराइटस मतलब वो एरिया जिसके अंदर लिंग जा सकता है या जहाँ से बच्चा पैदा होता है ये जो वजाइनल इंट्रॉटस है अगर कोई लड़की वर्जिन है वर्जिन मतलब जिसने आज तक संभोग नहीं किया है तो इसके ऊपर एक पारदर्शी झल्ली होती है जिसको बोलते हैं हाइमन या सील और जिस हाइमन और सील को तोड़ने के लिए दुनिया दीवानी है पर यह जो झल्ली है ये बहुत बहुत बारीक बहुत मुलायम होती है और कई बार थोड़ी सी उंगली डालने से भी ये झल्ली टूट सकती है इस छेद के पीछे वाला छेद जो है यह टट्टी का रास्ता या रेक्टम या एनस एनस मतलब वहाँ जहाँ से मल द्वार या मल का त्याग औरत करती है जो, जो ये पेशाब का छेद है पेशाब के छेद के जस्ट ऊपर एक ऑर्गन होता है जो इसको कवर करे रहता है जिसको बोलते हैं क्लिट्रि मर्दों में ये लंबा हो जाता है जिसको पेनिस बोलते हैं औरतों में छोटा रह जाता है उसको क्लिट्रिस बोलते हैं और क्लिट्रिस भी मर्द के लिंग की तरह अराउजल में अराउजल मतलब सेक्स ऊर्जा में इरेक्शन होता है जिस तरीके से आदमियों का होता है और इसी को सहलाने से इसी को रगड़ने से इसी को छेड़ छेड़ने से इसी को चुनने से इसी को छने से औरत के अंदर ऑर्गैजम ऑर्गैजम मतलब डिस्चार्ज तो मतलब जो क्लाइमैक्स है वो होता है इसके चारों तरफ दो लिप्स होते हैं दो लिप्स मतलब कि दो चमड़ी के टुकड़े होते हैं एक होता है पिंक रशियन पिंक जिसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा और एक होता है काला या जो भी औरत का स्किन कलर है जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा लेबिया मेजोरा बेसिकली अंडकोश के कलर का होता है तो अगर आपका अंडकोश काला है तो आपकी वाइफ का भी तो नहीं है पर ये ले लेबिया मेजोरा उसकी स्किन कलर के हिसाब से काला या जिस भी रंग का है हो सकता है ये होता है एक फीमेल जेनेटेलिया अगर आप पैरों खोल के औरत को नीचे से देखते हैं कई मर्दों को एक एरिया है जी स्पॉट जिसके बारे में आप बहुत कॉमनली सुनेंगे जी स्पॉट मतलब कि वो एरिया जिसके बारे में कंट्रोवर्सी है क्योंकि कई मर्द कहते हैं कि जब वजाइनल ये जो वजाइना है या जो इंट्रोइटस है इसमें लिंग डालने के बाद पेनिट्रेशन से ऑर्गेजम होता है और कई औरतों को सिर्फ रगड़ने से होता है तो जिन लोगों के अंदर जिन औरतों में क्लिट्रस या जो सी पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है उन औरतों को क्लिटर स्टिमुलेशन से रगड़ने से और होता है पर कई औरतों में बजैना के अंदर जहाँ पर मर्दों में प्रोस्टेट होता है मतलब आप देखेंगे जो मर्दों में आप पेशाब टट्टी के रस्ते उंगली डालते हैं तो पीछे एक प्रोस्टेट ऑर्गन होता है उसी लोकेशन में लेडीज़ में जब आप बजायना में हाथ डालते हैं या बाजैना में पेनिस डालते हैं तो आगे की तरफ जहाँ पेशाब का रास्ता है वहाँ पर एरिया होता है जिसको जी स्पॉट बोलते हैं और इस जी स्पॉट को रगड़ने से मसलने से या लिंग के तनाव से या चौड़ाई से भी कई औरतों को ऑर्गेजम या प्लेजर या आनंद आ सकता है तो अगर आपको फीमेल जेनिटल ऑर्गन का चैप्टर समझ में आया हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इसको और, और डिटेल में जानना हो तो इसके बारे में बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो मेरे वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं अगर आपको सेक्शुअल so, डिजीजेस के बारे में और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपको इसके बारे में काफी जानकारी मिलेगी थैंक यू सो मच ऑल हेल्थ इफ यू आर लुकिंग टू ऑप्टिमाइज योर वाइटलिटी एंड परफॉर्मेंस विजिट आवर वेबसाइट एट डॉक्टर विजय वी ऑफर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स क्यूरेटेड सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स लाइक